आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अग्नि 5 के बारे में और समझेंगे कि क्यों भारत की तरफ से एरिया वार्निंग देने के बाद में अग्नि 5 का टेस्ट नहीं किया गया। इसके अलावा इस वीडियो के दौरान हम लोग प्रोजेक्ट वेदा के बारे में भी बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे प्रोजेक्ट वेदा आने वाले समय में भारतीय सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और भी ज्यादा एनहेंस करने वाला है। आप सभी को याद होगा कि 23 और 24 सितंबर की तारीख को भारत सरकार की तरफ से बे ऑफ बंगाल में एक एरिया वार्निंग दी गई थी और इस एरिया वार्निंग को अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। माना जा रहा था कि ये एरिया वार्निंग अग्नि 5 मिसाइल सिस्टम के टेस्ट के लिए थी, लेकिन इस लॉन्च विंडो के दौरान भारत की तरफ से कोई भी मिसाइल टेस्ट नहीं किया गया और इसी वजह से कई लोगों की तरफ से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत की तरफ से ये टेस्ट क्यों नहीं किया गया। देखिए, इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला, जिस दौरान ये टेस्ट शेड्यूल किया गया था, लगभग उसी दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दौरे पे थे और उन्हें यूनाइटेड नेशन में जाकर अपना संबोधन भी करना था और इस वजह से चांसेस हैं कि भारत सरकार की तरफ से ये डिसाइड किया गया हो कि इस टेस्ट को पोस्टपोन किया जाए और एटलीस्ट इस टेस्ट को उस समय ना किया जाए जिस समय भारत के प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन में शांति की बात कर रहे हैं। वैसे भी अग्नि 5 मिसाइल सिस्टम ने अपने सारे टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं और ये जो टेस्ट होना था ये टेस्ट मोस्ट लाइकली एक यूजर टेस्ट होना था, लेकिन इंटरेस्टिंगली DRDO की तरफ से मीडिया से बात करते हुए ये बताया गया था कि ये टेस्ट एक मर्व कैपेबल मिसाइल सिस्टम का हो सकता है और ये खुद में ही एक बहुत बड़ी बात थी। DRDO आमतौर पर इस तरीके के मिसाइल सिस्टम्स को लेकर मीडिया से इस तरीके से बातचीत कभी नहीं करता है। ऐसे में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी निकल कर आ रही है। आप सभी को याद होगा कि कुछ समय पहले APJ अब्दुल कलाम आइलैंड पर जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है वहाँ पर कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को स्नूपिंग करते हुए पकड़ा गया था और इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के हिसाब से ये जो अग्नि 5 के टेस्ट की बातचीत शुरू हुई थी वो इस स्नूपिंग रैकेट को बर्स्ट करने के लिए की गई थी। देखिए, ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन चांसेस हैं कि मोदी जी का UN जाना वो इस टेस्ट के पोस्टपोन होने के पीछे मेन कारण हो। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट वेदा के बारे में। DRDO के चीफ डॉक्टर सतीश रेड्डी उन्नत भारत के तहत टेक फॉर सेवा नाम के एक प्रोग्राम को एड्रेस कर रहे थे, लेकिन उनके इस एड्रेसल के दौरान उनके बैकग्राउंड में ये इमेज दिखाई पड़ी थी। ये मॉडल DRDO वेदा का है। एक्चुअली ये सिस्टम एक डिफेंस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है और इस डिफेंस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की मदद से आने वाले समय में बहुत ही कम समय के अंदर DRDO की तरफ से सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा सकेगा। इनफैक्ट DRDO वेदा मल्टीपल सैटेलाइट्स को बहुत ही कम समय के अंदर लॉन्च करके एक सैटेलाइट नेटवर्क रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रिएट करने में सक्षम होगा। आइए समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल सिनेरियो की मदद से। मान लीजिए कि एक देश दूसरे देश के ऊपर हमला करना चाहता है, ऐसी स्थिति में वो उनके ऊपर एक न्यूक्लियर अटैक करता है और साइमल्टेनियसली अपने एंटी सैटेलाइट वेपन्स को यूज करके उनकी सभी सैटेलाइट्स को गिरा देता है। इस सिनेरियो में दूसरे देश के पास में रिटेलिएट करने के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं रहेंगे, लेकिन अगर उनके पास में DRDO वेदा जैसा सिस्टम अवेलेबल है तो वो काफी कम समय के अंदर वापस से सैटेलाइट लॉन्च करके अपना नेटवर्क तैयार कर सकते हैं। और क्योंकि ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ट्रांसपोर्टेबल इरेक्टर लॉन्चर के ऊपर माउंट होगा तो प्रैक्टिकली ये एक बंकर के बाहर निकलेगा, सैटेलाइट लॉन्च करेगा और वापस से बंकर के अंदर चला जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर एनिमी की तरफ से आपके सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशंस को भी टारगेट किया जाता है तो उसके बाद भी आपके पास में सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता मौजूद रहेगी और आपके पास में इस तरीके की क्षमता होने के कारण आपकी जो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होगी वो काफी ज्यादा क्रेडिबल हो जाएगी। अगर डॉक्टर रेड्डी के पीछे जो मॉडल है उसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दो स्टेज वाली मिसाइल सिस्टम है। इसमें यूज की जाने वाली फर्स्ट स्टेज मोस्ट लाइकली अग्नि 4 से ली गई है। वहीं पर अगर आप इसकी सेकेंड स्टेज को ऑब्जर्व करेंगे तो फर्स्ट स्टेज की तुलना में ये काफी ज्यादा नैरो है और चांसेस हैं कि इसको एंटी सैटेलाइट वेपन यानी कि मिशन शक्ति में जो मिसाइल सिस्टम यूज की गई थी उसको मॉडिफाई करके बनाया जा रहा हो। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है वो है इस मिसाइल सिस्टम का नोज कोन। इसमें एक ओजाइवल नोज कोन का प्रयोग किया गया है जिससे एक चीज क्लियर हो जाती है कि ये मिसाइल सिस्टम या कहें लॉन्च व्हीकल मल्टीपल वॉरहेड किल व्हीकल्स या फिर सैटेलाइट्स को कैरी कर सकेगा। प्रैक्टिकली ये मिसाइल सिस्टम एक मर्व कैपेबल मिसाइल सिस्टम होगी जिसको एडवर्स सिचुएशन में सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के तौर पर यूज किया जाएगा। ओवरऑल ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट स्टेप है और एक बार जब ये मिसाइल सिस्टम बनकर तैयार हो जाएगी तो भारत की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा क्रेडिबल हो जाएगी जिसका डेटेरेंस भारत के एनिमीज के ऊपर काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।